नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान हमारे लाइव ऑन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा हमारे इस कार्यक्रम का मकसद रहता है कि हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सके और वो सवाल होते हैं हमारे खेती किसानी से जुड़े हुए जिनके लिए हम रोजाना नए नए विषय आपके लिए लेकर आते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी दो विषय हम लेकर आए हैं आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या है आज के कार्यक्रम के विषय आइए सबसे पहले आपको उसी के बारे में जानकारी देते हैं आज के कार्यक्रम के विषय है कृषि में आधुनिक यंत्र का महत्व जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और केले की खेती भी एक अहम विषय है जिस पर आज के कार्यक्रम में में चर्चा होने वाली है है कोई कोई सवाल है आपके मन में, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है हमारे टोल फ्री नंबर की जानकारी देते तो ले दे दें आपको एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छह शून्य और एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छ एक हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले एक घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं जिनके जवाब स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे आइए हमारे जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें हमारे साथ डॉक्टर वी काले उपस्थित हैं यहाँ पर बता दें अपर आयुक्त हैं मशीनरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में साथ ही डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे भी हमारे साथ उपस्थित हैं। बता दें आप सहायक महानिदेशक हैं स्वागत करना चाहूंगे मैं हेलो के में। तो बिल्कुल आज के के हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको एक बार याद दिला दें कि जब भी आप हमें कॉल करें तो आपको क्या करना है अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसे कम करके हमसे बात करनी है साथ ही साथ नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल करना है तभी आपकी जो तो आवाज है हम तक सीधे तौर पर साफ तौर पर हम कहीं पहुंच पाएगी जिससे हम आपके सवाल सुनकर जवाब आपको बता पाएंगे तो आइए हमारे कॉल्स कॉलर्स के कॉल का यहां पर हम इंतजार कर रहे हैं इसके साथ हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं यंत्रों के बारे में पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर काले उपस्थित है डॉक्टर काले यहां पर हम खेती में यंत्रों के महत्व के बारे में आपसे जानना चाहेंगे खेती का परिवेश बदल रहा है पहले जहां हाथों से काम होता था अब यहां पर मशीनीकरण होता जा रहा है लोग मशीनों को उपयोग में ला रहे हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी अछूते हैं इस यंत्रों के उपयोग से ऐसे में इसके महत्व के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप एक्चुअली कृषि कृषि में आ, का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अगर आज अगर हम किसानों की आय को अगर दुगना करना चाहते हैं उनके जो इनपुट कॉस्ट है अगर वो कम करना चाहते हैं तो कृषि यंत्रीकरण का बहुत बड़ा रोल है अब कृषि यांत्रीकरण जो है अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुका हुआ है अब हम लोग जो है आ, जिस जगह पे मतलब उसको प्रसिजन एग्रीकल्चर बोलते हैं जिस जगह पे पर जिसकी ज़रूरत हो जिस इनपुट्स की जरूरत जैसे अगर मान लीजिए कि पेस्टिसाइड का जहाँ जिस जगह पे जरूरत होगा उसी जगह पे हो इस्तेमाल होगा जिस जगह पे उर्वरक का जरूरत होगा उसी जगह पे उसको आ, उसका इस्तेमाल होगा जिस जगह पर आपको विडीसाइड की जरूरत है उसी जगह विट साइड का इस्तेमाल होगा तो इस तरह से जो प्रसीजन एग्रीकल्चर हम जो बोलते हैं अगर इसको इस्तेमाल करना अगर इसका अगर कम उसका अगर कम करना है, तो कृषिकरण का बहुत बड़ा महत्व है आज... यहाँ पर कम करनी है, की। की को बढ़ाना है। तो कृषि कदम है, है किस तरह से आप उनको हासिल कर सकते हैं ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं इस पर आज के हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं आप जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको इन सब सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे लेकिन उससे पहले हमारे एक खास रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं कृषि यंत्रों ने खेती को काफी आसान बना दिया है। इनके इस्तेमाल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है मशीनों ने खेती को न सिर्फ आसान बनाया है बल्कि पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है लेकिन जितना जरूरी खेती में इन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल है उतनी ही जरूरी है इनकी देखरेख कृषि यंत्रों के बेहतर रखरखाव से न सिर्फ इनसे लंबे समय तक फायदा लिया जा सकता है बल्कि यंत्र बिना किसी खराबी के लंबे समय तक चलते भी रहेंगे इतना ही नहीं अच्छी देखरेख से यंत्रों की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है कृषि यंत्रों के रखरखाव के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें रोजाना काम शुरू करने से पहले और बाद में यंत्रों की साफ सफाई करें जरूरत पड़ने पर पानी से भी सफाई करनी चाहिए काम करने से पहले और बाद में यंत्रों के नट बोल्ट की जांच जरूर करें नट बोल्ट को तुरंत दुरुस्त कर दें, मशीन के घूमने वाले हिस्सों में मोबिल ऑयल और ग्रीस जरूर डालें, बरसात के दिनों में तो कृषि यंत्रों की खास देखभाल करें यंत्रों को पानी ऐसी बचा कर रखें कृषि यंत्रों के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल या कैरोसिन तेल न रखें कृषि यंत्रों का इस्तेमाल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही करें इतना ही नहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि यंत्रों के उपयोगकर्ता को यंत्र चलाने का अच्छी तरह ज्ञान और उसका प्रशिक्षण हो यंत्रों का इस्तेमाल करने के दौरान जरूरी और निर्देशित कपड़े ही पहने साथ ही दूसरे सुरक्षात्मक साधनों जैसे पानी और रेत को काम करते समय अपने पास रखे कुल मिलाकर बुआई से लेकर कटाई तक ज्यादातर सभी कृषि में किसान मशीनों का उपयोग कर अपनी आमदनी को दोगुना कर रहे हैं लेकिन इस्तेमाल के साथ साथ इनका सही रखरखाव भी करें तो अभी आपने एक खास रिपोर्ट देखी जाना कि कृषि यंत्रों का रख रखाव आपको किस प्रकार करना चाहिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं आपके लिए इस संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं केले की खेती के बारे में डॉक्टर पांडे उपस्थित हैं डॉक्टर पांडे केला एक नकदी फसल के रूप में जाना जाता है हमारे किसान इसकी खेती करते हैं तो अच्छा अः मुनाफा अर्जित कर सकते हैं इस समय की बात करें तो हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान समय में किस तरह की परिस्थितियां हैं केले की खेती करने के लिए जी बात चली है किसानों की आय बढ़ाने की और उसमें जो कम से कम समय में और कुछ कम क्षेत्रफल में तुलनात्मक रूप से अगर किसी फसल का नाम आता है तो वो केला है बागवानी फसलों में और क्योंकि एक बार लगाकर कम से कम दो तीन फसलें ली जा सकती हैं दो तीन साल के अंदर तो और उत्पादन के दृष्टिकोण से तथा तो पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी केला बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जी आजकल जलवायु परिवर्तन की बात भी अधिकांश सभी कोई सुनते हैं और जानते हैं आ, अनुमान ये किया गया है कि जलवायु परिवर्तन की दशाओं में भी केले की खेती बढ़ेगी हमारे देश में क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा और उसी के अनुसार इससे जो संबंधित व्यवसाय है वो भी बढ़ने की बढ़ने की पूरी एकदम है अनुमान है तो इन दशाओं में पोषण सुरक्षा जो आर्थिक सुरक्षा और जो जलवायु परिवर्तन के जो चुनौतियां हैं उसको अगर हमको समाधान करना है तो केले की खेती एक बहुत बड़ा माध्यम इसका बन सकती है बिल्कुल तो कई तरह के फायदे हम कह सकते हैं पोषण सुरक्षा के लिहाज से काफी फायदेमंद है आर्थिक मजबूती आपको प्रदान कर सकता है जो और जो सबसे अहम बात है कि जलवायु परिवर्तन जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है उसके लिए भी एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है इसकी खेती तो आप इसकी खेती से जुड़िए बिल्कुल फायदा आपको मिलेगा अच्छा मुनाफा दिलवाने वाली फसल है किस तरह से आप जुड़ सकते हैं कौन सी प्रक्रिया आपको अपनानी होगी इसके बारे में बताएंगे उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी उस पर न से डाल लेते हैं देश में केले की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में की जाती है इसके साथ ही कर्नाटक आंध्र प्रदेश गुजरात और असम में भी बड़ी संख्या में किसान केले की खेती करते हैं केले की बुआई के लिए बलोई से मटियार दो मिट्टी बेहतर होती है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 ऐसी सात हो साथ ही मिट्टी में जल निकासी का गुण भी हो उच्च नाइट्रोजन युक्त पर्याप्त फॉस्फोरस और पोटाश युक्त मिट्टी में केले की अच्छी पैदावार ली जा सकती है अगर आप केले की खेती करना चाहते हैं, तो अपने इलाके के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करें वहीं जिन किसानों ने केले की फसल लगा रखी है वो फसल का ध्यान रखें और उसमें जरूरी समसामयिक कार्य करें। जून के आखिरी सप्ताह में खोदे गए गड्ढों को गोबर की खाद उर्वरक और, और मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाकर ऊपर तक भरे गड्ढों में मिट्टी भरने के तुरंत बाद पानी जरूर दे जिससे मिट्टी बैठ जाए पुराने बागों में जिन पत्तियों पर धब्बे वाला रोग दिखे उन्हें काट कर मिट्टी में गहरा दबा दे कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कवकनाशी ब्लिटॉक्स 50 दवा की 300 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करे उखटा रोग की रोकथाम के लिए कंधो को एग्नोल ऐसी उपचारित करे ये समय केले की रुपाई के लिए सही है रुपाई के लिए तीन महीने पुराने तलवार नूमा स्वस्थ और रोग मुक्त पत्ती वाले कंधों का ही इस्तेमाल करें। पत्तियों को ऊपरी तने के कंध से 25 से 30 सेंटीमीटर पर काट दे रुपाई से पहले सभी पत्तियों को उपचारित कर ले रुपाई के समय सिर्फ कंध हिस्से को ही मिट्टी में दबाए और रुपाई के बाद सिंचाई कर दे तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट और जाना केले की खेती के बारे में इस संदर्भ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन बता दें आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं राकेश पाल जी आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है हेलो जी नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में अपना सवाल पूछिए मैं फतेहपुर से कानपुर राकेश बोल रहा था राकेश पाल जी मैं जानना चाह रहा था की केले के साथ और किस चीज की खेती साथ में की जा सकती है बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका कि केले की खेती के साथ साथ और कौन सी फसलों का चयन कर सकते हैं डॉक्टर पांडे क्या कहेंगे जी आ, राकेश पाल जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है आ, लगभग केला लगाने से छः महीने तक जब तक उसकी जो पत्तियां हैं बहुत बड़ी नहीं हो जाती हैं वो पूरी तरह छाया से नहीं ढक लेती हैं मिट्टी को जो नीचे की भूमि होती है उस समय में जो कम अवधि वाली सब्जियाँ हैं कोई भी सब्जी हो केवल लता वाली सब्जियों को छोड़कर कोई भी सब्ज़ी आप उगा सकते हैं जैसे मूली हो या गाजर हो या गोभी हो तीन चार महीने तक आराम से उगाई जा सकती है लता वाली सब्ज़ियों को नहीं उगाना चाहिए क्योंकि वो पौधों के ऊपर केले के पौधों के ऊपर चढ़ने लगती हैं जो कि नुकसान करती हैं केले के पौधों को इसी तरह से मसाले की धनिया हो हल्दी हो या इस तरह की जो भी फसलें हैं यहाँ तक कि जो जैसे फतेहपुर की जलवायु की दशाओं में और सब्जियां हैं जैसे कि मिर्चा है इसको भी जो उसमें बीच बीच में लगा करके इस्तेमाल इसका उत्पादन किया जा सकता है लगभग छह महीने तक तो केले की खेती के साथ और कौन सी फसलों का आप चुनाव कर सकते हैं विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है बढ़ते हैं आगे नई दिल्ली से इशू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उनका सवाल जान लेते हैं हेलो ये गन्ने की खेती करते हैं उसमें उसमें घास इकट्ठी हो जाती है तो कौन सा टूल यूज करें खरपतवार खत्म करें और कितने का आएगा जी गन्ने ग... नहीं लेंगे जी गन्ने की खेती करते हैं उसमें जो खरपतवार आ जाती है उसको खत्म करने के लिए कौन सी यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ से मिलेगा और प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं क्या कहेंगे डॉक्टर काले हाँ बहुत अच्छा है क्योंकि जो बीडिंग ऑपरेशन जो होता है वो सबसे लेबर ओरिएंटेड मतलब सबसे ज़्यादा इसमें जो है लेबर की जरूरत पड़ती है लेकिन आप अगर कृषि यंत्र का उपयोग करेंगे तो उसमें काफ़ी आसानी से हल हो सकता है तो आप विडर्स इसको यूज कर सकते हैं छोटे छोटे विडर्स आते हैं जो लगभग साढ़े तीन हजार तक आते हैं और इसमें गवर्नमेंट भारत सरकार की सब्सिडी भी है चालीस परसेंट जनरल किसानों के लिए और बाकी पचास परसेंट जो है एस सी एस टी वुमेन्स और स्मॉल जो सीमांत किसान होते हैं उनके लिए इसमें सब्सिडी का प्रावधान है तो आप इसमें विडर्स का यूज़ करके आप इसको अपनी खरपतवार को निकाल सकते हैं बिल्कुल तो प्रशिक्षण के बारे में भी जानना चाहते थे क्या वीडर्स को इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग हाँ, चाहिए अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं उत्तर भारत हुँ. में तो हमारी भारत सरकार की जो कृषि मंत्रालय की जो है एक हिसार में एक नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ रन रीजन फार्मर्स ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है उपलब्ध है जो किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण जो है मुहैया करती है तो उसमें किसानों को कुछ किस भी देने की जरूरत नहीं है वहाँ पे रहने की सुविधा है उसके साथ साथ स्टाइपेंट भी प्रोवाइड किया जाता है लगभग एक महीने का कोर्स होता है तो आप वहाँ पे जाके ये साल भर कोर्सेज चलते रहते हैं तो आप वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसकी इस संस्थान की वेबसाइट भी है आप उत्तरी क्षेत्र परीक्षण एवं परीक्षण एवं परीक्षण संस्थान जो है कृषि यंत्र एवं परीक्षण परीक्षण संस्थान हिसार जी. जी नामक संस्थान है आप वहां पर प्रशिक्षण भी कर सकते हैं मुफ्त में है सारी। तो निःशुल्क यहाँ पर होगा प्रशिक्षण तो यी जी देखिए नई दिल्ली से आप ताल्लुक रखते हैं हिसार ज्यादा दूर नहीं है वहां का रुख भी आप कर सकते हैं ट्रेनिंग ले सकते हैं बढ़ते हैं आगे एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं सुशांत जी आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल हेलो हेलो सुशांत जी आपको आवाज मिल रही है हेलो लगता है इनसे संपर्क टूट गया है कोई बात नहीं आप दोबारा कोशिश कीजिए जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा आपका सवाल हम जानेंगे और उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे डॉक्टर पांडे का यहां पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर पांडे आपने कहा खेले की खेती अगर करते हैं तो काफी फायदे मिल सकते हैं हमारे किसानों को अभी के समय की बात करें तो क्या हमारे किसान शुरुआत कर सकते हैं इसकी खेती की जी वास्तविकता तो ये है कि ये सबसे उपयुक्त समय है केले की खेती आरंभ करने का जी। गर्मी लगभग प्रचंड गर्मी पड़ रही है इस समय जो पौधे लगाने की जो जगह है लगभग किस्म के अनुसार पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित होती है लेकिन साधारण रूप में एक दशमलव सात पाँच मीटर से लेकर के और दो दशमलव पाँच मीटर दो दशमलव सात पाँच मीटर तक किस्म के अनुसार आ, प, कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी पर लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा तैयारी करें गड्ढा मिट्टी निकाल कर बाहर रख दें गर्मी पड़ रही है जो उसमें रोगाणु या कीटाणु हैं जो रोग और कीड़े लगते हैं बाद में केले की फसल में वो सब मर जाएंगे अधिकांश और जैसे एक दो बरसात होती है लगभग एक से डेढ़ टोकरी गोबर की खाद और आवश्यकता अनुसार और मिट्टी की परीक्षा के अनुसार फॉस्फोरस और पोटेशियम की आधी मात्रा के अनुसार उसमें गड्ढे में भर दें बरसात जैसे होती है एक दो बरसात होने के बाद में जब मिट्टी अच्छे से बैठ जाएगी उस समय अच्छी गुणवत्ता के अच्छी किस्मों के पौधे लाकर लगाने का समय आ चुका है तो आ, केले खे खेती शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा समय यही है बिल्कुल तो सही समय तैयारी कर है आप तैयारियां कर लीजिए किस तरह के प्रबंधन आपको करने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी है और केले की खेती और क्या क्या इसमें आप सावधानियां बरत सकते हैं कृषि यंत्रों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या सावधानियां आपको बरतनी है रख रखाव कैसे करना है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं में जाइए देखते रहिए हमारा लाइफ ऑन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर अरे भाई सुना नहीं क्या के ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है देश के छोटे किसान एक लाख साठ हजार रूपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है समय पर भुगतान करने पर केवल चार परसेंट के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे अपना आधार कार्ड लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी चाचा उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। एसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के के बाद लाइव कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है चर्चा हमारी लगातार जारी है कृषि में आधुनिक यंत्रों के महत्व और केले की खेती के बारे में आपके पास कोई सवाल है तो क्या करना है आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है आपके सवाल हम सुनेंगे और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे बता दें फिर से हमारे साथ ओडिशा से सुशांत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उनका सवाल जान लेते हैं हेलो हेलो नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में पूछे अपना सवाल उन्नत किस्म क्या है इसके बारे लगाना चाहते हैं, अच्छी किस्म के बारे में जानना चाहते हैं हा, हा। जी उडिशा से बात कर रहे हैं डॉक्टर पांडे क्या कहेंगे आप अकेले की खेती वहाँ कर सकते हैं और कर सकते हैं तो किस्म कौन सी सही रहेगी आ, जी पटनायक जी आपके क्षेत्र में संयोग बस मैंने काम भी किया है और उड़ीसा की जलवायु में आप जानते हैं कि एक किस्म है कपूरा तो कपूरा सबसे अच्छी किस्म वहाँ के लिए है चंपा अच्छी किस्म है वहाँ के लिए और सब्जी वाले केले के लिए जो है बंतल किस्म वहाँ पर सबसे अच्छी हो सकती है अभी आप जानते हैं कि ताज़ा खाने के लिए एक और किस्म भी बहुत अच्छी लोकप्रिय हो रही है उत्पादकता के कारण जिसे कि रोबस्टा और जो ग्रांड नाइन या जी नाइन के रूप में जाना जाता है तो ये तीन चार किस्में हैं जिसकी खेती आपके जलवायु के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उड़ीसा के जलवायु में पाटकपूरा जो किस्म है वो ये जो रस्थली जो केला कहते हैं रस्थली समूह का केला है पाटकपूरा स्थानीय नाम उसको पाटकपूरा दिया जाता है ये और सब्जी के लिए बंतल, बंतल में भी कई आप जानते हैं कि स्थानीय किस्में हैं गज बंतल हो या पाउंसिया बंतल हो आ, या मेढ़ी बंतल हो ये कई किस्में हैं छोटी जो स्थान के अनुसार में लेकिन गज बंतल की उत्पादकता अच्छी होती है गुणवत्ता के अनुसार और लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है उसके अनुसार किस्में लगा सकते हैं तो सब्जी में बंतल चंपा और सतेज खाने के लिए रस्थली में पाटकपूरा या आ, जी नाइन किसमें आप लगा सकते हैं जी तो सुशांत जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है कौन सी किसमें आपके क्षेत्र के लिए सही रहेंगी इसके बारे में आपको जानकारी हासिल हो गई है फिलहाल तो बढ़ते हैं आगे डॉक्टर काले का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे डॉक्टर काले आपने बताया कि कृषि यंत्रों का बहुत ही महत्व है हमारे किसानों की आय को दोगुना करना है तो अहम भूमिका निभाती है हमारे जो कृषि यंत्र हैं ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी आपने वीडर्स के बारे में बताया था कि सब्सिडी मिलती है तो क्या ये हर एक यंत्र पर लागू होता है या फिर कुछ ही यंत्रों पर लागू है ये नहीं ऐसा नहीं है भारत सरकार ने जो है 2014-15 से ही सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन नाम की स्कीम जो है लॉन्च की है ये सभी भारत देश में पूरा पूरे भारत देश में उसको लागू किया हुआ है और ये स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको संचालित की जाती है तो इसमें ऐसा है कि इसमें कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो इसमें उपलब्ध नहीं है इस स्कीम में तो चाहे आप कंबाइन हार्वेस्टर की बात करो या ट्रैक्टर की बात करो या मान लीजिए छोटे से छोटे अगर आप बुलेट ड्रॉन इक्विपमेंट की भी बात करें बैल चलित तो अगर यंत्र कहते हैं या मानव से अगर चलने वाले यंत्र है तो उनकी भी बात करें तो इन सब पे ऊपर आप जो है सब्सिडी उपलब्ध है तो इसके लिए जो है आपको जो निकटतम आपका जो कृषि अधिकारी जो है या कृषि अधिकारी या जो या कृषि का कार्यालय है वहाँ पे संपर्क करना है और वहीं से इसको जानकारी लेना है तो इसके लिए सभी यंत्रों के ऊपर आपकी तो सब्सिडी है यहां पर हमारे किसान <coughs> किसी भी यंत्र का चुनाव कर सकते हैं बेझिझक ये ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा महंगी है तो हम इसे ले नहीं सकते ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि समूह बनाकर भी हमारे किसान ले सकते हैं या नहीं लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं आप तक हम आपका रुख करेंगे लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं उनका सवाल हम पहले यहाँ पर शामिल करेंगे हेलो जी नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या सवाल है आपका नवल किशोर जी मैम मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मैं, हम लोग जो केला लगाते हैं बिहार में जी तो केला का फल में ना बहुत सारा कीड़ा लग जाता है तो कोई ऐसा कीटनाशक का नाम बताएं जिससे हम लोग का फल सुरक्षित हो बिल्कुल क्या कहेंगे डॉक्टर पांडे जी कीड़ा लग जाता है आपने तो कीड़ा बता दिया कौन सा कीड़ा लगता है कीड़े इसमें कई लगते हैं परंतु मैं अनुमान के अनुसार कह सकता हूँ कि कीड़ा ये होगा कि केले के फल के ऊपर भूरे भूरे रंग का बाद में दाग पड़ जाता होगा कभी कभी हो सकता है कि छिलकों को लगता है किसी ने ऐसे खुरच दिया है वो एक बहुत छोटा कीड़ा होता है और केले के फल जैसे निकलते हैं उसी समय लगता है उससे बचने के लिए उपाय होता है कि पाली जो एक आम, सूती कपड़े और उससे मिलता जुलता ही है पॉलीप्रोपिलीन का एक थैला आता है जो कि दोनों तरफ खुला होता है और जो केले का जो घेर होता है फलों का जो बंच होता है लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है लगभग डेढ़ फुट के आसपास पचास सेंटीमीटर के आसपास उसका व्यास होता है तो जैसे घेर निकलता है उसी समय उस थैले को जैसे पैजामा होता है जो पहले वाला पैजामा होता था नीचे से ऊपर तक समान होता था उस तरह की एक थैली होती है बोरे जैसा आपके लिए बोरे जैसा सीमेंट के बोरे जैसा होता है वो थैली ले करके और उसको पहना दीजिए ऊपर ऊपर वाले हिस्से को बांध दीजिए नीचे उसको खुला रहने दीजिए तो जो ये कीड़ा है जिसको थ्रिप्स बोलते हैं हम वो केले के फलों पर कोई क्षति नहीं कर पाएगा और इस तरह से आप बच जाएंगे इसमें रासायनिक छिड़काव चूंकि आप केले के कीट को जान नहीं पाएंगे देख नहीं पाएंगे कि कब लगा कब उसने क्षति कर दिया तो रासायनिक उपाय के के बजाय अगर आप इस तरह का जो थैले का जो उपचार है वो करें तो ज़्यादा प्रभावी होता है ये बिल्कुल तो लेकिन अगर आप देखते हैं तो कोई भी साधारण से साधारण जो कीटनाशी है उसके उपयोग से इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है बिल्कुल तो आपने जान लिया कि किस तरह से आपको यहाँ पर कीटों से बचाव करना है इसी के साथ डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे आपने कहा कि समय बिल्कुल उपयुक्त तो चल रहा है हमारे किसान केले की खेती अभी कर सकते हैं एक कॉलर ने केले की किस्म के बारे में भी जानना चाहा था तो आपसे हम केले की किस्म के बारे में भी जानेंगे लेकिन एक कॉलर और जुड़ गए हैं यहाँ पर उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं फिर हमारे विशेषज्ञों का रुख करेंगे हेलो 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 धीरेन्द्र जी आवाज मिल रही है आपको जी नमस्ते नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में पूछिए अपना सवाल जी मैं जालौन उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी हाँ जी हाँ जी पूछिए अपना सवाल क्या जानना चाहते हैं? आप हम डॉक्टर साहब से ये पूछना पा रहे जालौन जिले के बुंदेलखंड क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं जी तो इस क्षेत्र में खेती केले की खेती के लिए क्या, कैसा अवसर हम देखते हैं और कौन सी किस्में हम यहाँ पे लगा के अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और जिससे अच्छी उपाय पांडे क्या कहेंगे धीरेन्द्र जी आपने एक समय के अनुकूल प्रश्न किया है देखिए चूंकि जालौन जिले में थोड़ा गर्मी ज्यादा होती है वो आ, आपका झांसी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी होती है परंतु केले की खेती के लिए जो खास बात है उस पर पानी की उपलब्धता अगर सिंचाई का जो के लिए पानी उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में मिट्टी मध्यम दर्जे की है ना बहुत हल्की या ना बहुत भारी मिट्टी है ये दो दशाएँ अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो केले की खेती की जा सकती है जी गर्मी के दिनों में आपको थोड़ा सा उपाय करना होगा कि पानी की कमी ना होने पाए केले के उसमें के रोपण क्षेत्र में इसका आप सुनिश्चित कर लें और इसके लिए सबसे अच्छा साधन ये होता है कि जो टपक सिंचाई होती है जो ड्रिप इरिगेशन की जो कि एक यंत्रीकरण ही एक तरह का है इसको भी सुनिश्चित कर लें और आसपास जो आपके जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें आपको जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं आ, अनुदान की उस, उसका लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है और किस्मों के बारे में जो आपने पूछा है वैसे तो आ, कोई भी किस्म की खेती कर सकते हैं लेकिन आपके क्षेत्र में जो जिस किस्म का पौधा अच्छे से आसानी से मिल सकता है वो इस समय एक ही किस्म है जिसका पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा वो है ग्रांड नाइन या जी नाइन जिसको बोलते हैं इस किस्म का पौधा जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करने पर आपको आसानी से मिल सकता है और इसके और पूरी जानकारी के लिए निकट के जो कृषि विज्ञान केंद्र है आपके ज़िले का जालौन ज़िले का वहाँ पर भी आप जाएँ विशेषज्ञों से संपर्क करें क्योंकि जो हमारे हमारा वार्तालाप है इसकी एक सीमाएँ हैं इसमें आपको पूरी जानकारी हो सकता ना मिल सके और दूरदर्शन के प्रोग्राम को भी देखते रहें नियमित रूप से बीच बीच में जो भी आपको कोई ऐसी परेशानी आती है उसको आप अपना समाधान पाते रहें इसके साथ साथ मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और परीक्षण के आधार पर जो खाद और उर्वरकों की संस्कृति है उसके अनुसार आप खाद और ही ही का, करें। का प्रबंधन करेंगे तो और बेहतर रहेगा आपके लिए तो किस तरह की आपको तैयारी करनी है कौन सी किस्म है अभी आपने जान लिया फिलहाल बढ़ते हैं आगे डॉक्टर काले का करते हैं थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि कुछ किसान जो है यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहते हैं सब्सिडी भी मिल रही है लेकिन फिर भी वो उसको उसके दाम के चलते नहीं ले पाते तो ऐसे में क्या समूह बनाकर यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए कोई प्रावधान हाँ बिल्कुल एक्चुअली ऐसा है कि सब लोग जो है आ, जो क्योंकि कृषि यंत्र जो है अफोर्डेबल नहीं है मतलब सबके इसमें नहीं मतलब कॉस्ट मतलब उसकी बहुत ज़्यादा होती है तो हर लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जरूर नहीं है कि हर आदमी जो है हर किसान जो है कृषि यंत्र खरीदे तो इसके लिए भारत सरकार ने जो है कस्टम हायरिंग सेंटर नाम की एक जो है उसी योजना में इसका एक भाग है हुँ. तो जो भी बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है और यहाँ पे हम लोग भारत सरकार जो है अगर कोई भी अगर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए भारत सरकार 40 परसेंट सब्सिडी का अनु अनुदान प्रदान करता है जो कि लगभग 60 लाख के प्रोजेक्ट के कॉस्ट के ऊपर आप दे सकते हैं और साथ साथ में अगर मान लीजिए कि अगर छोटा छोटे सीमांत किसान हैं और वो अगर अपना आ, उनके पास इतने अमाउंट नहीं है तो आप अगर एक छोटा सा किसान समूह अगर आठ दस किसान को मिलकर के आप करना चाहते हैं तो उसमें भारत सरकार लगभग अस्सी प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो स्पेशली उसको नाइन्टी फाइव परसेंट हम लोग सब्सिडी प्रदान करते हैं तो इस तरह से ये प्रावधान है भारत सरकार का अगर सामूहिक तो खेती करना चाहते हैं अगर सामूहिक है, रूप से तो आप यहाँ पर यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहते हैं खेती करना चाहते हैं तो बेझजक आप कर सकते हैं सरकार इसमें आपकी पूरी पूरी मदद करेगी आपको यहाँ पर अनुदान भी मुहैया करवाई जाएगी बढ़ते हैं आगे हापुड़ से संतोष जी फोन फो, लाइन पर जुड़ गए हैं उनका सवाल जान लेते हैं हेलो हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या सवाल है आपका आप तो है। हमारे मैं उत्तर प्रदेश हापुड़ से बोल रही हूँ जी संतोष जी पूछिए हमारे यहाँ गर्मी बहुत है और मैं आप टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए की खेती करना चाहती हूँ जी हेलो आपके यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है केले की खेती करना चाहती हैं क्या कर सकती हैं या फिर नहीं यही जानना चाहती हैं आप और अच्छी किस्म कैसे लगाई जाती है बिल्कुल डॉक्टर पांडे एक बार फिर से यहाँ पर जानकारी दें जी आ, संतोष जी आपके क्षेत्र से थोड़ा सा और आगे अगर जाएंगे तो उस क्षेत्र में अभी केले की व्यावसायिक खेती हो रही है और जो आपने किस्म के बारे में पूछा वो किस्म कोई भी लगा सकती हैं लेकिन जो कि पौधे की उपलब्धता होनी चाहिए और आपके क्षेत्र में ग्रांड नाइन या जी नाइन किस्म की उपलब्धता अच्छी हो सकती है आ, पास के केवल जिला उद्यान अधिकारी से अगर आप संपर्क करें तो वो इस विषय में आपको अच्छा मदद कर सकते हैं तो ये इसके साथ साथ पास का, का जो मेरठ में स्थित कृषि विश्वविद्यालय है उसमें भी अगर आप जाएँ तो उद्यान विज्ञान विभाग में जाएँ तो आपको उत्तक संवर्धित पौधे या टिशू कल्चर पौधे केले के, के काफ़ी हद तक अच्छे मिल सकते हैं चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है मेरठ में वहाँ पर अगर आप संपर्क करें तो वहाँ से भी आपको कुछ हद तक पौधे मिल सकते हैं और पास के कृषि विज्ञान केंद्र से आपको और अधिक जो ज्ञान कौशल है इसके बारे में उगाने के लिए वो और विस्तार से प्राप्त हो सकता है बिल्कुल इसी के साथ बढ़ते हैं आगे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीश सैनी जी उनका सवाल भी जान लेते हैं हेलो हाँ जी नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में पूछिए अपना सवाल जी नमस्कार जी जी अपना सवाल पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप जी मैं ग्राम तहसील मैंकरिया जिला देवास मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ जी 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 मेरा सवाल यह है, केले, केले की खेती के बारे में कि हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले में केले की खेती किस प्रकार करें मुझे पूरी जानकारी चाहिए केले के मतलब पौधे से पौधे की दूरी कतार से कतार की दूरी और उसमें कौन सा खाद किस समय डाले पौधे लगाने से पहले लगाने के बाद में सिंचाई के किसने जी तो पूरी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं क्या कहेंगे हमारे किसान भाई जी सैनी जी आपके क्षेत्र में केले की खेती पहले से हो रही है थोड़ा सा दूर हटकर अगर आप जाएंगे तो इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आपका तो लगभग केंद्रीय मध्य प्रदेश है जो देवास वहाँ पर जो केले की खेती है उसमें ग्रैंड नाइन किस्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और उसका मुख्य कारण यही है कि कम समय में अधिक उत्पादन देती है ये किस्म अगर अच्छी खेती जा, की जाए तो 50 टन से लेकर के 75 टन प्रति हेक्टेयर तक इसकी पैदावार होती है जी। तो किस्म के बारे में आपको पता चल गया इस किस्म के बारे में ही फिर आगे हम आपको बताएंगे इसमें पौध से पौध की दूरी लगभग एक दशमलव सात पाँच मीटर से लेकर के दो मीटर सुविधा के अनुसार अगर अच्छा होगा कि आप दो मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी दो से दो मीटर रखना चाहिए लेकिन अगर आपके पास यंत्रीकरण चूँकि विषय भी, भी ऐसा चल रहा है ऐसा कर, करने की भी व्यवस्था है ट्रैक्टर या पावर टिलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दो पंक्तियों को एक साथ में थोड़ा पास पास लगा सकते हैं एक दसमलव दो मीटर से लेकर के और डेढ़ मीटर के तक पौधे से कतार से कतार की दूरी रख कर के और फिर फिर जो दो पंक्तियों के बाद में जो तीसरी पंक्ति आएगी उसकी दूरी थोड़ा बढ़ा सकते हैं इससे सिंचाई करने में और जो अंतकर्षण है जो इंटरकल्चर ऑपरेशन जो किए जाते हैं मतलब खरपतवार रोकना गुड़ाई करना उससे मशीन का भी प्रयोग किया जा सकता है लेकिन अ, अनुमानता कुल मिलाकर से दो मीटर और कतार से कतार और पौधे से पौधे दो मीटर दूरी रखी जाती है इसकी खेती के लिए लगभग गर्मी में इस जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें 45 से 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद करके एक से डेढ़ टोकरी गोबर की खाद और अगर हो सके तो नीम की खली ढाई सौ ग्राम से लेकर के पाँच सौ ग्राम नीम की खली मिल जाए तो दोनों मिला करके बर बरसात होने के पहले भर दें मिट्टी की जांच करवाएं साधारण मिट्टी के लिए लगभग तीन सौ ग्राम नाइट्रोजन प्रति पौधा प्रति वर्ष देना होता है और लगभग सौ ग्राम फास्फोरस और तीन सौ ग्राम से लेकर के चार सौ ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष पोटेशियम की आवश्यकता होती है जी फास्फोरस की पूरी मात्रा अगर आप फर्टिगेशन या जो टपक सिंचाई के साथ में उर्वरक देते हैं उसकी सुविधा नहीं है तो फास्फोरस की पूरी मात्रा गड्ढा भरते समय बरसात शुरू होने के पहले तब दे दें नत्रजन की और पोटैश की मात्रा पोटास को दो भागों में बांट कर दिया जाता है पहली मात्रा लगभग पौधा लगाने के दो से तीन महीने बाद दूसरी मात्रा लगभग छः से सात महीने बाद तीसरी मात्रा बराबर लगभग बराबर भाग में थाले में अच्छे से मिला कर दे पोटेशम को, को दो भागों में बांट कर दिया जा सकता है पहली मात्रा पौधा लगाने के से दो से दो तीन महीने बाद और दूसरी मात्रा जब घर निकल जाती है निकलने वाली होती है या निकल जाती है उस समय दिया जाना चाहिए बिल्कुल तो इस तरह से आप देखिए पूरे प्रबंधन कर सकते हैं क्या क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है बढ़ते हैं आगे धीरेन्द्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उनका सवाल जान लेते हैं हेलो हेलो नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में पूछिए अपना सवाल हाँ जी मैम नमस्ते पूछिए अपना सवाल जी डॉक्टर साहब से हमारा ये सवाल था कि जो कृषि अवशेष होते हैं उनको निवारण के लिए कौन कौन से यंत्रों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त हो रहा है किसानों को और जो जिससे हमारे खेतों में आग लगाने की समस्या उत्पन्न ना हो जी। उनके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं बिल्कुल तो ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है पराली जलाना तो ना जलाएं इसके लिए यंत्र भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं जिसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं हमारे किसान भाई क्या कहेंगे डॉक्टर काले एक्चुअली हाँ, आपने देखा होगा कि खास तौर पे हमारे अक्टूबर नवंबर में काफी पोल्यूशन होता है हमारे उत्तरी क्षेत्र में तो इसके लिए भारत सरकार ने स्पेसिफिकली चार राज्यों के लिए एक स्पेशल स्कीम बनाई है सीआरएम मैनेजमेंट के लिए और उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है और उसमें ख़ास तौर पे किसानों के लिए हमने एक स्कीम बनाई है और उसमें आपको विभिन्न प्रकार की जो मशीनरी है जो सीआरए मैनेजमेंट जिसको हम फसल के जो अवशेष का प्रबंधन के लिए जो मशीनें इस, इस्तेमाल होती है जैसे हैप्पी सीडर हो गई चाहे उसके बाद एसएमएस हो गया मतलब सब जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है उसके पीछे जो है एक एसएमएस नाम का एक यंत्र लगता है जो कि कटाई करता है उसके बाद स्लैशर्स होते हैं आ, उसके बाद जो है डिकम्पोजर होते हैं और बहुत सारी जो यंत्र है पाँच छः यंत्र है लगभग आ, इसका सबका जो है आपको आ, इसमें इस पर्टिकुलर जो स्कीम है उसमें प्रावधान किया गया है आप अगर अपने निकटतम कृषि अधिकारी से अगर संपर्क करें तो इसके लिए आपको आ, इस इसका आपको आ, अनुदान प्राप्त हो सकता है बिल्कुल तो धीरेन्द्र जी आपको अहम जानकारी यहाँ पर मिल गई है कौन कौन से यंत्रों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अनुदान राशि भी आपको यहाँ पर दी जाएगी तो इसके लिए आप कृषि अधिकारी का रुख कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे अहम जानकारियां आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मन जाइए कार्यक्रम और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर क्या हो रहा है hmm? काश्वी इतने कम का मार्क्स काशु बेटा पढ़ा करो पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी अम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ पढ़ा करो आप पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे मतलब वो देखो सिर्फ पर छपा ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक का निशान पहचान पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं अब समझे मम्मा अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी अच्छा बच्चे जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए अरे 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 क्या कर रहा है इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बिजु का तो तला बोल ले? है पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी अरे हाँ? पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गो ऐसी कैसे फसलती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी पहली वाली बात कहाँ परम तो सभी डाले हैं। सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परम्परागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं ठीक है भाई मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा माटी से प्रेम की परम्परा है परम्परागत खेती ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव ऑन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में आधुनिक यंत्रों के महत्व और केले की खेती के बारे में कोई सवाल है आपके मन में तो आप एक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं उनके जवाब स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे बता दें आपको इस वक्त कॉलर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी तो आइए उनका रुख कर लेते हैं सवाल पूछ लेते हैं हेलो इनका कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया है कोई बात नहीं नंदस्वरूप जी आप रोजाना हमसे जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आप दोबारा कोशिश कीजिए जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे और जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर काले का यहां पर रुख करना चाहेंगे डॉक्टर काले जब भी यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत जरूरी हो जाता है कि सावधानियां बरती जाएं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रशिक्षण ले लिया जाए क्योंकि जब जानकारी होगी तभी तो सावधानी पूर्वक हम इस्तेमाल कर पाएंगे इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे हाँ बिल्कुल एक्चुअली जो है जब तक स्किल नहीं होगा कृषि यंत्र को चलाने के लिए तब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे भारत सरकार की चार संस्थाने हैं है? जो चार दिशाएं में भारत सरकार भारत के एक नॉर्थ में जो हिसार में एक हमारी संस्थान है अगर आप मध्य प्रदेश में है सेंट्रल इंडिया में तो हमारा बुधनी में जो है एक संस्थान है सदर्न पार्ट के लिए जो हमारी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में और आसाम में जो है हमारी विश्वनाथ चारैली में ऐसे चार संस्थाने हैं जो कृषि यंत्र के ऊपर जो है किसानों को मुफ्त जो है निशुल्क जो है प्रशिक्षण प्रदान करती है और ये वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी सभी तरह की जो कृषि यंत्र उपलब्ध है और स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन है हमारी तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और ख़ास तौर पे अगर आप सुरक्षा की बात कह सकते हैं अगर सेफ्टी की बात कहते हैं तो मैं कहूँगा कि जो भी आपके आ, सभी तरह के जैसे आप स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करता है तो आप हैंड ग्लोव यूज़ करना चाहिए मास्क यूज़ करना चाहिए क्योंकि आप देखेंगे कि इस पेस्टिसाइड का प्रभाव जो है आदमी के शरीर के ऊपर बहुत गहरा होता है कई लोगों की आंखें चली जाती है कई लोगों को स्किन की डिसीजेस होती है आ, तो इस तरह से बाद में अगर ट्रैक्टर अगर चलाना है आपको तो ख़ास तौर पे आपको सुरक्षा था। प्रदान लेना चाहिए कि जो भी रिवॉल्विंग पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से आपका कपड़ा जो है आपने जो पहना हुआ है वो नहीं जाना चाहिए इस तरह और थ्रेशर अगर खास तौर पे देखेंगे तो थ्रेशर में जब आप खास तौर पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे कई लोगों के जो है हाथ से वो जो है जो है अपना जो फीड है जो उसको फीड करते हैं जो अपना फसल जो है तो उससे काफी लोगों के हाथ कट गए हैं कई लोगों का अवघात होता है तो ऐसे में बहुत सावधानी बरतनी, तो सावधानी जरूरी बरतनी है। है। चाहिए जी तो ये तमाम सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए तभी तो आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे कृषि यंत्रों का फिलहाल बढ़ते हैं आगे नंद स्वरूप मिश्रा जी दोबारा से हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं सवाल जान लेते हैं हेलो नमस्ते मैडम मेरा नाम नंद मैं जानना ये चाहता हूँ कि केले खेती के लिए हमें किस दिशा में लाइन से लाइन रखनी चाहिए जिससे हमारी पुरवा हवा पछिया हवा और जो सूर्य के किरण है उसमें आसानी से पड़ सके और दूसरी चीज कभी कभी जब आंधी और तूफान आते हैं तो लंबे हाइट वाले पौधे हमारे गिर जाते हैं तो ऐसी कौन सी बौनी प्रजाति है जो हम ज्यादा हाइट में न हो तो हवा के बचाव में अच्छा रहेगा आंधी तूफान में गिरेगा नहीं अच्छी पैदावार हमसे गिर सके दूसरी चीज जो यंत्र हमारे हैं यंत्र उसको तो हमें जानकारी है जो नए यंत्र हैं उनकी हमको ज्यादा जानकारी नहीं तो हमको कहाँ कहा से उपलब्ध होंगे जिसे हम उसको सुचारू रूप से चला सके बिल्कुल बहुत ही अच्छे सवाल आपने किए हैं डॉक्टर पांडे शुरुआत आपसे करना चाहेंगे दिशा बताइए इन्हें की कि किस दिशा में लगानी चाहिए इन्हें क्यारिया जी ये तो स्पष्ट नहीं होता कि आंधी तूफान किस दिशा से आएगा लेकिन और पौधे से पौधे की दूरी केले में तथा कतार से कतार की दूरी लगभग समान ही रखी जाती है जब जहाँ तक जो अगर हम यांत्रिकरण करते हैं जैसा कि हमने अभी थोड़ा समय पहले बताया है उसमें कतार, दो कतारों को थोड़ा पास में रखा जाता है लगभग एक दशमलव दो मीटर के आसपास जिसे मैट बोलते हैं या एक कैरी नुमा बना देते हैं और फिर तीसरी पंक्ति है वो थोड़ा दूरी पर लगभग दो मीटर पर रखी जा सकती है या तीन मीटर भी किया जा सकता है किस्मों के अनुसार बहुत बड़ी जो लंबी किस्में होती हैं उनको ज़्यादा दूरी दिया जाना चाहिए लेकिन जैसा बाराबंकी ज़िले में जो व्यावसायिक किस्म है वो ग्रांड नाइन है उसकी दूरी दो से दो मीटर ही रखी जाती है पौधे से पौधे की और कतार से कतार की तो इतनी दूरी पर लगाना चाहिए जहाँ तक आंधी तूफान का प्रश्न है तो आप जानते हैं केला शाकीय वर्ग में आता है इसमें कोई लकड़ी नहीं होती है आंधी तूफान आने पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको सहारा दिया जाना बहुत आवश्यक होता है इसके दो तीन तरीके हैं आ, आ, सुतली की मदद से कई तीन चार पौधों को जो आसपास के पौधे होते हैं उनको एक में बांध दिया जाना जी। या जब उसके फल निकल जाते हैं घेर निकल जाता है तो उसके जिस तरफ से घेर निकलता है साधारण तौर से जो उत्तर दिशा में जैसे हमने जो कतार से कतार हमने रखा हुआ पूर्व से पश्चिम लगाया हुआ है तो इसका घेर जब निकलता है वो उत्तर दिशा में निकलेगा और जो दूसरे दक्षिण दिशा में जिधर प्रकाश ज़्यादा मिलता है पौधे को उस दिशा में नए पौधे या पुत्तियाँ निकलने के जो जो इसका प्रचलन ऐसे होता है तो इस तरह से लगाना चाहिए तो जिस तरफ उत्तर दिशा में जब घर निकलता है उस दिशा में चाहे बांस की या अन्य कोई लकड़ी है उसकी अथवा अगर नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो आजकल सीमेंट के जो आते हैं जो पोल आते हैं खंभे आते हैं वो हर आठ दस पौधे के बाद सीमेंट के खंभों के सहारे से तार लगा करके अल्मीनियम के तार या जिंक के जो जीआई जी के वायर होते हैं वो पर्याप्त मोटाई के होने चाहिए वो तारों की मदद से भी इसको सहारा दिया जा सकता है बिल्कुल तो आपको क्या करना है स्वरूप मिश्रा जी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। दूसरा एक, एक और इसमें पहलू है कि केले के पौधे में लगभग जो ऊपर की आठ नौ पत्तियां होती है नई निकली हुई वो खाद्य का निर्माण करती हैं या जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण उन्हीं में ज्यादा होता है जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो वास्तव में एक तरह से केले के पौधे के ऊपर भार स्वरूप होती हैं वो पोषण लेती ज्यादा है और बनाती कम है तो समय समय पर जब आठ नौ पत्तियां ऊपर की रखें और नीचे की पत्तियों को काट काट के निकालते रहें तो जब इसमें हवा का आवागमन अच्छे से होता रहेगा तो थोड़ा हल्की फुल्की आंधी तूफान आने पर हवा इस पार से उस पार निकल जाएगी बागबानी में एक सबसे बड़ी विशेष बात होती है कि हमेशा बोला जाता है कि जो आम आम जो पवन अवरोधी या वायु अवरोधी पौधे चारों ओर से लगाए जाते हैं या जिसे बाढ़ लगाना कहते हैं वो जरूर लगाएं। बिल्कुल क्योंकि... तो आपको ये तमाम प्रबंधन करने हैं। इनका एक प्रश्न और था कि नए कृषि यंत्रों की जानकारी कहाँ से ले सकते हैं डॉक्टर काले क्या कहेंगे आप आ, मैं यही कहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी। तो आपके लिए जो हिसार संस्थान जो हमारी है वहाँ पे आप जा सकते हैं वहाँ पे आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध है और साथ साथ में ये कहूँगा कि मैं आजकल जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जब बात हो रही है तो जैसे कि अभी केले की खेती की बात हो रही है कि वो डेंस है मतलब आप अगर चाहे तो आप आदमी उसमें से अगर स्प्रेइंग करना चाहता है तो बड़ा मुश्किल से वो स्प्रेइंग कर सकता है लेकिन आज भारत सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत आ, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है और उसको जो है सहायता भी प्रदान कर रहा है भारत सरकार लगभग चालीस जो है हम लोग उसमें ड्रोन को भी सहायता प्रदान करते हैं और इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपकी पानी की भी बचत होती है और आपकी जो की भी बचत हो सकती है और खास तौर पे आप देखा होगा कि जब आप मैन्युअली स्प्रेइंग करते हैं तो उसका जो ड्रॉपलेट साइज बहुत बड़ा होता है और आप देखेंगे कि केले के पत्ते हो या विभिन्न प्रकार की जो भी फसल है उसके ऊपर छा जाता है तो उससे क्या है कि फोटोसिंथिस बहुत कम होता है लेकिन आप अल्ट्रा होलो वॉल्यूम जो स्प्रेइंग करते हैं ड्रोन के द्वारा अगर आप स्प्रेइंग करेंगे उससे आपकी सारी बचत तो होती है आपकी सुरक्षा भी हो सकती है और उससे के के जो या जो भी पौधे हैं बड़े वाले उसमें जब स्प्रेइंग होगी तो बहुत ही सुषमाता से उसमें स्प्रेइंग होगी और उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत सहायक होगा बहुत आसानी से हो सकेगा मतलब जी. आप उसमें खर्चा भी आप बचत कर सकते हैं बिल्कुल तो देखिए काफी फायदे हैं इसके बढ़ते हैं आगे राकेश पाल जी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं उनका सवाल जान लेते हैं हेलो हेलो राकेश पाल जी अपना सवाल पूछिए मेरे ये पूछना था मैडम तो आप पे काले साहब सब्सिडी बता रहे हैं हमें पहली बात तो अपने जिले में किससे संपर्क करना होगा दूसरा यंत्र इन्त खरीदने के पहले सब्सिडी मिलेगी खरीदने के बाद बिल्कुल आपका सवाल काफी अच्छा है इसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मजाइए हम जल्दी हाजिर होंगे बने रहिए दूरदर्शन किसान पर देखते रहिए हमारा लाइफ ऑन कार्यक्रम हेलो किसान अकेले। अरे, अरे तू भी ले पर खाएगा कैसे मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा बेटे अकेले अकेले खेती कब तक करेगा मतलब गांव में बीस पच्चीस किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा कर ले फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी फिर पी ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक अच्छा आ, अरे भाई कहाँ चल दिया सबको साथ लाने आमदनी बढ़ाने तो किसान भाई समझ गए ना साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए ज्यादा मुनाफा कमाइए माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं अच्छा ये बात है क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है ऐसा क्या हाँ अब तो ज्यादा लाइने और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया अरे इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो इन में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कृषि यंत्रों के महत्व केले की खेती के बारे में कोई सवाल है आपके पास जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि समय काफी कम रह गया है ब्रेक पर जाने से पहले राकेश पाल जी ने एक सवाल किया था कि यंत्रों को अगर लेना है तो कहां संपर्क कर सकते हैं और सब्सिडी हमें पहले मिलेगी या फिर बाद में मिलेगी इसके बारे में डॉक्टर काले क्या कहेंगे हाँ बिल्कुल राकेश जी जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जैसे आपने देखा होगा कि सभी राज्यों में जैसे जो भी सब्सिडी है वो डीबीटी द्वारा प्रदान की जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होती है और जहाँ तौर पे जब कृषि यंत्रीकरण का बात करते हैं हम लोग इस स्कीम के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है ऑनलाइन सब्सिडी ट्रांजैक्शन हो रहा है अभी ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन देना है उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली और आपका चयन करना है आपको कौन सा कृषि यंत्र आपको लेना चाहते हैं तो इसमें दोनों प्रावधान रखे हमने हुँ. अगर किसान अगर आपका हंड्रेड अगर पेमेंट वो किसान अपना मैन्युफैक्चर को देता है आ, किसी डीलर को देता है कृषि यंत्र का तो उसको जो भी हिस्से का जो है फोर्टी परसेंट जो सब्सिडी उसको डायरेक्टली पेमेंट होती है अगर मान लीजिए कि अगर वो अपने हिस्से का जो है सिक्सटी परसेंट वो दे देता है अपना डीलर को और फोर्टी परसेंट जो है अगर आप खुद लेना चाहते हैं तो आपको खुद को भी मिल सकता है और या तो डीलर को भी दिया जाता है ऐसे दोनों टाइप के प्रावधान हमने रखे हैं ताकि कि किसान को किसी तरह से कोई समस्या ना हो प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल तो राकेश जी आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है बढ़ते हैं आगे कॉलर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से अनिल राठौर जी हेलो हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या है आपका सवाल हेलो मैम पूछिए अपना सवाल मैम मेरा ये सवाल था मैम मुझे लाल केले की वेराइटी कहाँ से प्राप्त होगी और हेलो लाल केले की आप के, वैरायटी लेना चाहते हैं कहाँ से मिल सकती आ, कहां है? से प्राप्त खेती सामान्य केले के जैसे होती कुछ अलग की जाती है जी लाल केले की खेती के बारे में डॉक्टर पांडे क्या कहेंगे जी पहला जो आपका प्रश्न है कि कहाँ से प्राप्त होगी तो लाल केला केरल कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज्यादा इसकी खेती की जाती है चूँकि इसकी खेती थोड़ा लंबे समय की इसकी जो फसल होती है पहली फसल काफ़ी लंबे समय के लिए होती है लगभग 18 से 20 महीने लगती है पहली फसल को मिलने में कभी कभी दो साल भी लग सकते हैं जो पहली फसल लगाई जाती है आ, तो और आपके क्षेत्र में ले, लेकिन इसकी खेती की जा सकती है और पौधे के लिए सबसे अच्छा साधन है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जी। भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है वहाँ से आप इसकी पौधे प्राप्त कर सकते हैं सीमित मात्रा में आप इसकी पुत्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं कर्नाटक में जो पश्चिमी कर्नाटक का कोई भी क्षेत्र जो है जहाँ पर इसकी खेती आ, बहुत अधिक क्षेत्रफल में की जाती है तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप आप अपने आसपास के किसी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें जी। तो इसके पौधे कुछ कम मात्रा में आपको उपलब्ध करवाने में मदद कर सकते हैं अगर आप इंटरनेट पे भी सर, मदद, खोजें तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र का आपको पूरा मिल जाएगा पता और वहाँ बात करके आप इसके पौधे सकते हैं? तो अनिल जी आपको सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया है लाल केले की खेती आप करना चाहते हैं और इन्होंने है। एक और प्रश्न किया था कि खेती कैसे होती तो खेती इसकी खेती भी साधारण जैसे अन्य केले की किस्मों की खेती की जाती है वैसे इसकी खेती की जाती है हाँ। केवल यही अंतर है कि इसकी जो फसल का जो अवधि है वो तो ज्यादा होती, होती है बिल्कुल लेकिन... तो यहाँ पर जो. आपके सवाल दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे ही किसान केले की खेती और साथ ही साथ कृषि यंत्रों के महत्व को समझे होंगे और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप हमारे साथ उपस्थित हुए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार थैंक यू तो किसान भाइयों बहनों केले की खेती के बारे में आपने जाना कृषि यंत्रों के महत्व को आपने समझा आज के लिए तो बस इतना ही अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं आइए जानकारी देते हैं आपको अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और साथ ही हम बात करेंगे गन्ने की उन्नत किस्मों के बारे में कोई सवाल है आपके मन में इन दोनों ही विषयों से संबंधित पहले हम तक पहुंचाइए ईमेल कीजिए हमें ईमेल आईडी है हमारी हेलो किसान दो हजार पंद्रह एट द रेट जी मेल डॉट कॉम साथ ही फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं फेसबुक पर जाइए हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान वहाँ हमारा पेज खुलेगा आप वहां पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं कोई कार्यक्रम के लिए सुझाव है वो भी पोस्ट कर सकते हैं साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छह शून्य जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह छह बजे से रात के दस बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे और साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही जिससे लाइव आप हमसे कार्यक्रम के दौरान जुड़ सकते हैं तो इसके साथ आपको बता दें टीवी स्क्रीन पर एक क्यू आर कोड भी आपको दिखाया जा रहा है इसे स्कैन सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर आप दोबारा हमारा कार्यक्रम भी देख सकते हैं तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बता दें आज के लिए इतना ही अगले अंक में होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों विशे के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत आप बने रखिए दूरदर्शन के साथ पर नमस्कार